एक्सरसाइज 55 का क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग के पास। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए रोप इज इतना मीटर लॉन्ग, एक रस्सी की लंबाई इतना है, ए पीस मेजरिंग इतना मीटर वाज कट फ्रॉम इट, और एक टुकड़ा जो है इतना मीटर का उससे काट कर अलग कर लिया जाता है, हाउ मच रोप इज लेफ्ट, तो फिर उसकी बची हुई लंबाई क्या होगी। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, इसमें दिया हुआ है टोटल लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की टोटल लंबाई कितनी है इतना, और ए पीस कट फ्रॉम इट, और एक टुकड़ा इससे अलग कर लिया जाता है जिसकी लंबाई इतना है, और बचा हुआ रॉप, बचा हुआ रस्सी कितना होगा। तो इसको जो है टोटल लेंथ से इसके टुकड़े को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे 2 में से 0 तो 2 बचेगा, और 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कैरी लेते हैं, यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 तो 8 हो गया, और यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 4 हो गया तो 3, इतना मीटर हो जाएगा बचा हुआ रस्सी की लंबाई जो है, इतना मीटर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 55 का क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग के सामने, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कबीर वॉक्ड इतना किलोमीटर ऑन मंडे, कबीर मंडे को इतना किलोमीटर चलता है, इतना किलोमीटर ऑन ट्यूजडे, और इतना किलोमीटर ट्यूजडे को चलता है, एंड सम डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे, और कुछ दूरी जो है वेडनेसडे को भी चलता है। इफ ही वॉक्ड इतना किलोमीटर इन 3 डेज, अगर इन तीनों दिन में मिलाकर वो इतना किलोमीटर चलता है, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक ऑन वेडनेसडे, तो फिर वो वेडनेसडे को कितना दूर चलता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ये दिया हुआ है, मंडे का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ट्यूजडे का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, तो हमको निकालना है वेडनेसडे का। इन दोनों को जोड़कर अगर हम इससे माइनस कर देते हैं तो हमको वेडनेसडे का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 10 नंबर में जो चीज़ें दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, कबीर वॉक्ड इन 3 डेज, कबीर 3 दिनों में चलता है इतना किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर, मंडे को वो चलता है 8.625 किलोमीटर, और ट्यूजडे को वो चलता है 7.059 किलोमीटर, ऑन वेडनेसडे यहाँ पे पता नहीं है तो यहाँ एक्स रख लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस है, इसको और इसको और इसको, इन तीनों को, तीनों दिन का जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तीनों दिन का डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 8.625 प्लस 7.059 प्लस, जो हमको पता नहीं है उसको एक्स रख लिए हैं, इक्वल टू हम लोग को आ जाना चाहिए टोटल डिस्टेंस 25.8 किलोमीटर, ये आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बगल में जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 8.625 हो गया और 7.059, तो यहाँ पे 95, 14, 1 बच गया, 7 और 1, 8, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 15 हो गया, तो इतना आ गया, इन दोनों को जोड़ने से आ गया 15.684 प्लस एक्स हो गया इक्वल टू 25.8। अब जो है एक्स यहाँ हम लोग रखेंगे, एक्स रखेंगे और इक्वल टू इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो यहाँ पे 25.8 है और इधर माइनस हो गया 15.684, तो इससे माइनस हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ही वेडनेसडे की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 25.800 और 15.684 इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 10.4 तो 6 हो गया, 9.8 तो 1 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1, पॉइंट यहाँ लगा दिया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू हम लोग को क्या निकल गया, x की वैल्यू हो गया 10.116 किलोमीटर। तो यही वेडनेसडे की डिस्टेंस दूरी हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 55 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।